हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके लिए कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये हमारे कोफ्ते बनकर रेडी हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी हैं। चलिए देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। तो मैंने कोफ्ते बनाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लिया है। अब हम इनसे ही कोफ्ते बनाएंगे। तो चलिए अभी हम कोफ्ते बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 1 किलो गोश्त में ये 3 प्याज हमने चॉप कर ली थी, इनको डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। 3 हरी मिर्चें डालेंगे अब हम। ये बहुत तेज़ होती है इसलिए मैंने 3 ही ली हैं। और ये मैंने ज़ीरा, लौंग, काली मिर्च का पाउडर बना रखा था, 1/2 टेबल स्पून ये वाला डालना है। और ये मैंने 4 सोयाबीन की बड़ी का पाउडर डाला है। ये है चने, इनको मैंने पीस लिया और ये 4 टेबल स्पून डाली हैं, भुने हुए चने जो होते हैं। अब हम इसमें 1 एग डाल देंगे और 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट। अब इनको मिक्स करके इनके छोटे छोटे गोले बना लेंगे। देखिए हमारे गोले बनकर बिल्कुल तैयार हैं। इन पर थोड़ा सा तेल का हाथ ज़रूर लगाएं ऊपर से। अब चलिए हम मसाले की तैयारी करते हैं। ये 3 प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन मैंने पीस कर रख लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और 4 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर। चिली और सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। थोड़ा सा पानी भी डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा। एक पैन में आप 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दीजिए। सब तेल अच्छे से गरम हो जाए इसमें कुछ गरम मसाले डाल दीजिए, 2 बड़ी इलायची, जावित्री, 2 लौंग, 2 काली मिर्च। अब इसमें 1/2 अनियन स्लाइस में कटी हुई, इसको ऐड कर देंगे, 2 तेज़पात के पत्ते और ये थोड़ी सी अदरक। इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने ये पेस्ट बना रखा है, हम इसको डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब हमें इसको अच्छे से मिलाना है। थोड़ा सा पानी और डाल दीजिए। मसाला जितना भुनता है उतना ही खाने में टेस्ट आता है, क्योंकि कच्चे मसालों की जो स्मेल होती है, ऑयल की जो स्मेल होती है, वो निकल जाती है पकते पकते, भुनते भुनते, तो खाने में टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको हम 5 मिनट भूनेंगे मसाले को, ज़्यादा नहीं भूनना। फिर फौरन हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे अपने, ताकि हमारा मसाला भी भुनता रहेगा और हमारे कोफ्ते भी इसमें अच्छे से पकते रहेंगे। देखिए अब हम इसको लिड लगाकर 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकने के लिए रख देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए हमारे कोफ्ते काफ़ी हद तक भुन गए हैं। इनको बिल्कुल भी चलाना नहीं होता। इसको थोड़ा सा बस दोनों साइड से पकड़ के आप हल्का हल्का घुमा दीजिए। अभी थोड़ी सी और कसर है, हम इसको 10 मिनट के लिए अभी और रखेंगे ढककर। ये देखिए अच्छे से भुन रहे हैं, बिल्कुल तेल तेल सारा ऊपर आ गया है। अब हम इसमें 1 लीटर के करीब पानी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इन्हें भुने हुए भी खा सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चों को तो आलू पसंद है इसलिए मैं आलू ज़रूर डालती हूँ। अब इसमें मैंने 1/2 केजी के करीब आलू डाल दिए हैं। देखिए अब हम इसको 1/2 घंटे के लिए सिम फ्लेम पर ढककर रख देंगे। 1/2 घंटा हो चुका है। देखिए हमारे कोफ्ते भी एकदम रेडी हैं। कोफ्तों को चलाते समय थोड़ा हल्का ही हाथ रखें, क्योंकि इनको ज़्यादा नहीं चलाते वरना ये थोड़े से ना क्रश हो जाते हैं। अब हम इसको हरा धनिया और अदरक से गार्निश कर देंगे। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हैं और देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम रेड कलर आया है। गोश्त पे अगर रेड कलर ना हो तो फिर वो बेकार है। अब आप इनको सर्व कर दीजिए। देखिए हमारे कोफ्ते बिल्कुल सही बने हैं, ज़रा भी नहीं टूटे।
आप इस रेसिपी को ज़रूर घर पर ट्राई करें, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। और आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।